नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक में बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे YouTube चैनल को देख सकते हैं Facebook और साथ साथ Instagram से भी, और मुझे फॉलो कर सकते हैं Google, YouTube, Instagram, Facebook पे। और साथ साथ इस चैनल को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करें, Facebook पेज को लाइक करें एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक के नाम से, और Instagram पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ग्रीन टी की। हम लगातार बात कर रहे हैं चाय को लेकर के, और चाय को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग प्रश्न होता है। कोई कहता है हम तो सुबह बैटी लेते हैं, मतलब चाय लिए बिना जो है हमारी नींद नहीं खुलती, मेरी भी नहीं खुलती, मगर मैं बिलीव करती हूँ ग्रीन टी पे। और लोग लेते हैं दूध वाली चाय, ब्लैक टी, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चाय होती है जो कि हर कोई व्यक्ति अपने स्वाद अनुसार चाय पीना पसंद करता है। हम लगातार आपके लिए वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, हर एक प्रकार की चाय जो है वो आपको किस तरह से बेनिफिट्स दे सकती है, आपके स्वास्थ्य में लाभ पहुंचा सकती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमने एक वीडियो में बात भी करी थी, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन ज़रूर करूंगी। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पे क्लिक करके भी देखिएगा कि दूध वाली चाय पीने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और इसको पीने के क्या क्या नुकसान भी होते हैं, यानी फ़ायदे और नुकसान दोनों की हम बात करते हैं। और लगातार हम बात कर रहे हैं हर वीडियो में कि किस तरह से चाय आपको स्वास्थ्य अच्छा रख सकती है, स्वास्थ्य बिगाड़ भी सकती है, इसको कितनी मात्रा में पीना चाहिए। तो ये जो हम स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं हम ग्रीन टी के ऊपर। अब ग्रीन टी जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहती है, आपने सुना भी होगा आजकल बहुत प्रचलन में है, यानी अगर हम ट्रेंड की बात करें ओवरऑल तो बहुत ट्रेंड में है ग्रीन टी। और ट्रेंड का नहीं कहूँगी, हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि आजकल जिस हिसाब से जो परेशानियाँ लोगों की बढ़ रही हैं, यानी स्वास्थ्य को लेकर के जो लोग बहुत ज़्यादा इस समय पर चिंतित हैं और स्वास्थ्य को लेकर के अलग अलग तरह की परेशानियां लोगों की बढ़ रही है, कोई कैंसर का शिकार हो रहा है, कोई डायबिटीज़ का शिकार हो रहा है, कोई हाइपरटेंशन का शिकार हो रहा है, किसी को अर्थराइटिस हो रहा है, किसी को साइनस हो रहा है, किसी को एंजाइटी डिप्रेशन, तो अलग अलग प्रकार की परेशानी हो रही है, ओबेसिटी के शिकार बहुत सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रीन टी जो है इन सभी चीज़ों में हेल्प करती है। सबसे जो अच्छी मानी जाती है वो ग्रीन टी मानी जाती है। ग्रीन टी को लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसका जो नॉर्मल अगर हम चाय पी रहे हैं उससे स्वाद इसका बिल्कुल डिफरेंट होता है बिल्कुल, और वहीं पे अगर हम इसका सेवन करें नियमित रूप से, यानी डेली अगर हम सुबह उठ करके ग्रीन टी लेते हैं तो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी ये फास्ट करती है, जिसकी वजह से हमारी पाचन क्रिया जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। यानी अगर आपका खाना नहीं पचता, आपको कफ, वात, पित्त, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इन तीनों चीज़ों की प्रॉब्लम किसी एक व्यक्ति को नहीं हो सकती, किसी एक व्यक्ति को इनमें से एक या दो ही प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कफ की प्रॉब्लम होगी, पित्त की होगी या वात की होगी। तो इन सब तरह से अगर आपको प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं से घेरे हुए हैं तो ग्रीन टी पीना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अर्ली मॉर्निंग उठ करके या जब भी आप उठते हैं ग्रीन टी पिए, रिप्लेस करें मिल्क टी से ग्रीन टी को। स्वाद इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मगर हाँ आपको इसका धीरे धीरे जो है स्वाद ज़बान पर बैठ जाएगा और इसके बेनिफिट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब इनके बेनिफिट्स क्या क्या है, देखिए अगर आपका मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, पाचन क्रिया आपकी अगर कमज़ोर हो गई है, यानी मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो गया है तो वो फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जो हैं खाना बहुत इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे। अगर आपको ओबेसिटी प्रॉब्लम है तो वो कम होती है, फैट मेनली ये जो है रिड्यूस करता है, स्किन में ग्लो लेकर के आता है, यानी स्किन ग्लो करती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ग्रोइंग एज में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति ग्रो तो कर ही रहा है, मगर अगर आप अबव 25 हैं तो ग्रीन टी लेना स्टार्ट करें, बिल्कुल करें। और इसके अलावा आपकी स्किन जो है समय पर ग्लो करेगी अगर आप ग्रीन टी लेंगे। वहीं पर अर्थराइटिस की अगर प्रॉब्लम है तो भी ग्रीन टी बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, खास मानी जाती है। अगर आपको हृदय रिलेटेड यानी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है, या अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, शुगर से बचना चाहते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहते हैं, तो ग्रीन टी को आप मिल्क टी से ज़रूर रिप्लेस करें। और बहुत ही कम समय में आप इसका इफ़ेक्ट देखेंगे। तो हम आपके लिए लगातार बात कर रहे हैं कौन सी टी जो है आपको किस तरह का बेनिफिट देगी, किस तरह के इफ़ेक्ट्स आपके जीवन में लेकर के आएगी। ग्रीन टी को पीने का सही तरीका क्या होता है, अब देखिए लोग ना बहुत सारे ये चीज़ ज़रूर करते हैं कि
दिन में 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 चाय, जैसे हमारा काम बढ़ता जाता है, जैसे हमारा वर्क स्ट्रेस होता है, वर्कलोड होता है, उन हिसाब से चाय पी लेते हैं। मगर ग्रीन टी को पीने का सही तरीका या मात्रा जो है इसकी देखा जाए तो एक दिन में आप 3 से 4 बार इजीली इसको ले सकते हैं। आपको जब भी लगे कि थोड़ा सा आपको वर्कलोड लग रहा है या स्ट्रेस लग रहा है, आप ग्रीन टी से अपने आप को रिफ्रेश करें। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए, आम जो चाय होती है, मिल्क टी होती है या ब्लैक टी होती है, ब्लैक कॉफ़ी होती है, तो उनके हिसाब से अगर हम कैफीन की मात्रा की बात करें तो वो बहुत कम मानी जाती है, जिसकी वजह से ग्रीन टी हमें रिफ्रेश करती है, एनर्जाइज करती है। मगर जो कैफीन होने की वजह से हमें नींद ना आने की परेशानी रहती है, इंसोम्निया हो जाता है, उन सब चीज़ों से प्रिवेंट करती है। यानी आपको नींद भी सही टाइम पे आएगी, आपका खाना भी सही तरह से पचेगा, स्किन भी ग्लो करेगी, वेट भी रिड्यूस होगा, और आपको ये जो प्रॉब्लम्स लोगों जो लोग बहुत सारी चीज़ों से लेकर के परेशान हैं, उन सब चीज़ों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो लोग कैंसर की परेशानी से जूझ रहे हैं, या फिर वो लोग जिनको माउथ इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। यानी अगर माउथ से कोई भी तरह का इन्फेक्शन आपको बहुत जल्दी होता है, गम्स प्रॉब्लम है, टीथ प्रॉब्लम है, या फिर बैड ब्रीथ प्रॉब्लम है, तो ग्रीन टी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो और भी ऐसे विषय लेकर के आऊँगी मैं केवल मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक पे। स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई प्रेडिक्शंस, TNPL से जुड़ी हुई प्रेडिक्शंस आपके लिए हम ज़रूर लेकर के आएंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे लाइक कमेंट शेयर फॉलो करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, जय श्री राम।